नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है व्यक्ति के जीवन में यह तीन लक्षण प्रकट होने पर या इन तीन परिस्थितियों में पन्ना रत्न तत्काल धारण कर लेना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति के पास में जन्म पत्रिका नहीं होती और जन्म पत्रिका के अभाव में वह कन्फ्यूज रहता है कि कौन सा रत्न धारण करूं। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं और कंटिन्यूटी जिन घटनाओं में है वह भी हमें इशारा करती हैं कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति की वाणी में कोई दोष है, हकलाना, तुतलाना, स्पष्ट ना बोल पाना, आवाज़ का बहुत जोर से ना निकल पाना, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को बिना जन्म पत्रिका दिखाए पन्ना पहन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा आमतौर पर बुध ग्रह के दोष के कारण होता है और पन्ने को विशेष रूप से बुद्धि का और वाणी का रत्न माना गया है। शुद्ध पन्ने के अंदर देवी सरस्वती का वास होता है, ऐसी मान्यता है। तो वाणी में छोटा बड़ा कोई भी दोष होने पर व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए। नंबर दो, यदि व्यक्ति के चेहरे का जो ग्लो है, जो खूबसूरती है, वह समय से पहले चली गई है, समय से पहले चेहरे के अंदर एक तरह से कहना चाहिए ढलती हुई उम्र दिखाई देती है और चमक की कमी है, तो बुध को राजकुमार का पद प्राप्त है और पन्ना पहनने से व्यक्ति के चेहरे की खूबसूरती स्थिर रहती है, लंबे समय तक टिकी रहती है। तो अगर आपके चेहरे में लगातार समस्या है, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आपका चेहरा प्रभावशाली आप नहीं बना पा रहे हैं, तो भी आपको पन्ना रत्न तत्काल धारण कर लेना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार में लगातार घाटा है, तो किसी न किसी रूप में या तो गले में या उंगली में और नहीं धारण कर पा रहे तो आपके पूजा घर में ही, लेकिन पन्ना रत्न आपके पास में निश्चित रूप से होना चाहिए। वाणिज्य व्यापार के जो कारक हैं वह बुध ग्रह हैं, व्यापार को रिप्रेजेंट बुध करते हैं और व्यापारी को पन्ना निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर लाभ करता है। बुद्धि के कमज़ोर होने पर, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, कंसंट्रेट करने की क्षमता और मेमोरी पावर दोनों में दिक्कत है, तो भी व्यक्ति को पन्ना रत्न बहुत बड़े स्तर पर लाभ करता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति को पन्ना पहनना चाहिए। यदि आप कलाकार हैं या आप नेता हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको वाणी का जो बल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि बुध ग्रह ज्योतिष को के भी कारक ग्रह हैं, अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो आपको जो आपको अच्छा ज्योतिषी बनने में मदद करता है। तो यदि आप ज्योतिष के छात्र हैं या ज्योतिष की लाइन में आप सक्रिय हैं, एक अच्छा पन्ना आपको ज़रूर पहनना चाहिए। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।